नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और शनिवार को इसके नतीजे भी आप लोगों के सामने होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन नहीं है। उधर वो कर्नाटक से निपटे और राजस्थान पहुंच गए। कल राजस्थान में थे और दो कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। एक में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच शेयर किया, दूसरे में वो भाजपा नेता की तरह बोले। दोनों ही कार्यक्रमों के बारे में और राजस्थान की पिछले 4-5 दिन की जो बड़ी एक्टिविटीज हुई हैं उन पर विश्लेषण के लिए बात करेंगे विनोद पाठक जी से, जो जयपुर से जुड़ रहे हैं। स्वागत है विनोद जी आपका। नमस्कार। विनोद जी, ये बताइए, मोदी जी के ये दो प्रोग्राम किस तरह के थे और दोनों में क्या-क्या अलग था? देखिए, एक तो प्योरली सरकारी प्रोग्राम था जिसके अंदर कुछ हाईवे और कुछ रेलवे लाइंस का जो है वो शिलान्यास वगैरह था, और कुछ जो इलाका है राजसमंद का है वहां से बड़ी मांग रही है कि कुछ मतलब रेल कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग नहीं है और वो कुछ आदिवासी बेल्ट के इलाके हैं, तो वहां से यह है कि वाया जोधपुर और जयपुर की जो दूरी है रेलवे लाइन नया ट्रैक डलने से थोड़ा कम हो जाएगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सर, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहे कि जहाँ ज्यादा कनेक्टिविटी होगी वहाँ बिजनेस भी होगा, वहाँ विकास भी पहुंचेगा, और वही उन्होंने जो है साथ में कुछ हाईवेज का भी वहां से उद्घाटन किया है। तो ये तो सरकारी प्रोग्राम था जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो है हवाई पट्टी पे पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। इवन जो सीपी जोशी हैं यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष वो भी थे, राज्यपाल भी थे। तो प्योरली सरकारी प्रोग्राम था, पर इस सरकारी प्रोग्राम में भी मोदी जी ने कुछ अटैक किया पिछली सरकारों को लेके, और उन्होंने कहा कि साहब अगर ये आप जब उस एक वक्त बात इन पर रोक रहा हूं, पहले कार्यक्रम कौन सा था? पहले कौन सा पहले वाला? कार्यक्रम था, सरकारी प्रोग्राम जो था शिलान्यास का और ये रेलवे लाइन वाला था वो वाला प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम में जो नाथ द्वारा वाला प्रोग्राम जो था। हाँ, पहले वो मंदिर गए थे, वहां से जो है वो जो सरकारी प्रोग्राम था उसमें गए थे। हाँ, और उसके बाद फिर आबू रोड में शायद बीजेपी का कोई कार्यक्रम। उसके बाद फिर आबू रोड गए थे, सिरोही जो है आबू रोड उसके बाद गए थे। पहले नाथ द्वारा और राजसमंद में जो प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने अपना ये सरकारी प्रोग्राम था रेलवे ट्रैक का और हाईवे का, वहां पे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है मंच साझा किया था प्रधानमंत्री जी के साथ। और उस मंच साझा में उन्होंने कुछ अटैक पुरानी जो सरकारें थी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ, अगर उस वक्त मेडिकल कॉलेज बनते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं होती, इस तरीके से कुछ बातें उन्होंने वहां पे बोली। जिसका और एक और बड़ा दिलचस्प वाक्य उसके अंदर ये हुआ कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो खड़े हुए बोलने के लिए तो मोदी मोदी के नारे बड़े गुंजायमान हो गए, तो उस पर मोदी जी ने खुद आके इंटरवीर किया और उनको रोका लोगों को, मतलब जो है। और एक और उसमें चर्चा बड़ी रही कि जैकेट जो थी, कल मुख्यमंत्री अमूमन जो है डार्क कलर की जैकेट पहनते हैं, पर हाँ, वो कल कुछ दोनों ने ऐसा एक हुआ दूसरे कि की एक जैसी हाँ पहनी दोनों है। की जैसे, तो ये बड़ा चर्चा वो का वो तस्वीरें सब सोशल हाँ मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है जी। मैचिंग मैचिंग हो गई। तो हाँ उस सभा के बाद जो है वो जैसे अमूमन मुख्यमंत्री जो है उनका उठाने का राय कि भाई आप राइट टू हेल्थ को केंद्र में लेके आओ, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है उसको आप नेशनल वो बनाओ, वो सब बातें बोली। पर जैसे ही वो सभा खत्म हुई और सभा के बाद में मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री ने जो है राजनीतिक मंच जो है बना दिया इस सरकारी प्रोग्राम का, और उनको जो है पुरानी सरकारों को कोसने के बजाय उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उनको जो है एक संवरा हुआ और बना बनाया जो है भारत मिला था, और ये बार बार कह देना कि साहब पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। तो उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई, बीजेपी के नेताओं ने पलटवार किया। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत है, तो मोदी उन्होंने जी ने एक एग्जैक्टली मोदी जी ने कहा क्या था नाथ द्वारा वाले कार्यक्रम में? नहीं, उन्होंने कहा था कि सब अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया होता पुरानी सरकारों ने, राजस्थान इतना पिछड़ा हुआ नहीं होता, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ होता, मेडिकल कॉलेज बनाए होते तो डॉक्टरों की कमी नहीं होती। उन्होंने बेसिकली जो पुरानी सरकारों में विकास नहीं हुआ है, विकास के काम नहीं हुए, उसको लेके उन्होंने एक अटैकिंग उसमें उन्होंने जनरल बात जनरल वे में बोली। उन्होंने बात कही थी कि आजादी के बाद उस हाँ तरीके से काम हो नहीं सका जिस हाँ तरीके उस से होना तरीके से चाहिए। नहीं हुआ जितना हम लोगों ने किया है, और उसके बाद से बीजेपी ने जो है काफी कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं। और बीजेपी ने अटैक किया, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत ने अटैक किया कि भाई ये जो है जनता से संबोधित करते हुए उन्होंने जनता के लिए बोला कि जनता मेरी भाई बाप है, पर आप तो सिर्फ एक परिवार के पीछे पड़े हो, आप उसी को नेता मानते हो, उस तरीके से अटैक किया। वसुंधरा राजे ने भी रात को एक ट्वीट किया कि साहब ये आप खीज मिटाने का काम कर रहे हो गहलोत जी जो है।
कुल मिला के यह कि जो सरकारी प्रोग्राम था उस पे राजनीतिक मंच करार दे दिया सरकार ने यहाँ लोकल, लेकिन तो मुझे उसी लगता पे है ये कि इसके बाद जब मोदी जी आबू रोड गए वहां ज्यादा खुल के बोले, उन्होंने हाँ वहां तो फिर भी सरकारी वहां तो कार्यक्रम का लिहाज किया, वहां पे पूरा राजनीतिक हाँ मिशन था उनका। हाँ वहां तो बेसिकली क्या था, पिछली बार जब वो आए थे तो रात को 10:15 बज गए थे आबू रोड जब आए थे, तो उस वक्त भीड़ अच्छी इकट्ठा हो गई थी और भाषण नहीं हो पाया था क्योंकि प्रोटोकॉल था कि भाई आप 10:30 बजे के बाद जो है स्पीकर ऑन नहीं हो सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने भाषण ना देके सिर्फ एक नतमस्तक होके देखा होगा, तुमने फोटो आए थे जो वो मंच पे जो है दंडवत होके यूं करके प्रणाम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बात वहीं से जिक्र शुरू किया उन्होंने कि भाई ये जो है पिछली बार मैं आया था मैं आपके बीच पिछली में बार कब, संबोधन नहीं वो दे पाया। 2019 वगैरह की बात थी क्या कभी? नहीं, अभी अभी 4-5 महीने पहले, अच्छा। अभी एक दिन रात को वो आए थे, लेट हो गए थे, और उस क्योंकि मोदी जी के 8 महीने में कल का 5वां दौरा था, ये राजस्थान में लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है, तो वहां उन्होंने जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति से लेके और जयपुर ब्लास्ट जिसकी 13 तारीख को बरसी भी है उसमें जो आरोपी थे वो हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं, तो जिसमें माना जा रहा है पैरवी कि बोले भाई वो। सरकार ने पैरवी नहीं की उस पे, बोले कानून व्यवस्था पे काफी बोले वो कि भाई राजस्थान में जो है कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, बहन बेटियों की जो है वो निकलने में भी डर लगता है, तुष्टीकरण पे जैसे जिस तरीके से बार बार जो है यहाँ एक कहेंगे सांप्रदायिक दंगे टाइप से भी हुए हैं, भले वो करौली हो भले वो आपका जोधपुर हो भीलवाड़ा हो, कुछ उन्होंने ना कहा कुछ कि ये साथ। सरकार जो है वोट बैंक की गुलाम है, ये भी हाँ कहा। वोट बैंक की राजनीति करती है, और इसमें एक और चीज थी कि भाई यहाँ से तो अटैक किया और पर जो असली चर्चा रही वो ये रही कि भाई मंच पे जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत के साथ दोस्ती वगैरह दिखाई और एक जैसे जैकेट आ गए, मेरे उसके बाद अशोक मित्र गहलोत गहलोत भी और कहा था उन्हें। हाँ मेरे मित्र कहा, तो गहलोत जी ने उससे पहले बयान दिया था कि मोदी जी जानबूझ के मुझे अपना परम मित्र बताते हैं मुझे फंसाने के लिए। तो अच्छा, इसमें जो है मोदी जी ने ये भी कहा कि ये कैसा सीएम है आबू आबू रोड वाले में, जिसके अपने विधायकों पे ही भरोसा नहीं है। हाँ ये देखिए ये तो बीजेपी का बेसिकली वो ये जताना चाहते हैं कि भाई ये सरकार तो स्टेबल है ही नहीं, पिछले 4.5 साल से सरकार जो है वो आपसी विग्रह का शिकार है, आपस में लड़ रहे, और बात ठीक भी है इसमें, अगर मोदी जी ने क्या है इवन कांग्रेस के भी आप नेताओं से बात करेंगे तो उनकी भी यही बात है कि भाई आप ये देखिए जिस दिन इसने अनशन किया था सचिन पायलट ने उस दिन इसके साथ कोई भी नहीं था, पर अभी 3-4 3 दिन पहले जो बाड़मेर में एक सभा की जो हेमा राम चौधरी मंत्री भी हैं और सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं, तो उनके बेटे का वो कोई उन्होंने वो हॉस्टल वगैरह बनाया था और उसको लेके एक बड़ा प्रोग्राम था जिसको एक शक्ति प्रदर्शन भी, तो उसमें करीबन 18 विधायक पहुंचे हुए थे सचिन पायलट के साथ, जिसमें कुछ विधायक ऐसे भी थे जो कि मानेसर नहीं गए थे, जैसे हरीश चौधरी भी बाड़मेर से आते थे तो ये नहीं गए थे वहां पे, तो इन लोगों ने फिर वो वही काउंटर जो है वो जवाब वहां पे दिया जो कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इनको जो जो इन लोगों को कोसा है सुनाया है निकम्मा कहा है जो बीच बीच में कहते हैं, तो वहां से उन्होंने काउंटर अटैक किया और अच्छी भीड़ जुटाई सचिन पायलट की में हेमा राम चौधरी वाली में अच्छी भीड़ थी और जिसको बड़ा सफल प्रोग्राम भी माना गया, तो उन्होंने कहा कि हेमा राम चौधरी है जिसपे आप कह रहे हो कि 15-20 करोड़ लेके रख लिए, इन्होंने 100 करोड़ की तो जमीन ही दान कर दी अपनी जनसेवा के लिए, और आप ऐसे लोगों को बोल रहे हो कि आप ये साबित करो कि हमने पैसे लिए हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों को आप ये अब बात ये हो रही है जो धौलपुर में मुख्यमंत्री ने सीधा जो एक सरकारी प्रोग्राम था वो भी क्योंकि यहाँ एक महंगाई राहत कैंप करके लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसी के एक मंच से मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाए थे कि भाई अमित शाह से आपने 10 से 20 करोड़ रुपए लेके रख लिए हैं और अगर वो पैसा आपने खर्च हो गया है तो हम जो पहले तो मैं दे दूंगा नहीं तो फिर मैं AICC से दिलवा दूंगा उस पैसे को, पर आप लौटा दो। असल में वो जो बयान था उसमें लोगों ने ये कहा कि भाई वसुंधरा को इन्होंने टारगेट किया, और मेघवाल को किया, और शोभा रानी हाँ कुशवाहा को किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसी मुझे में लगा कि वो प्रहार जो है वो सचिन पायलट पर ज्यादा बड़ा था, कि भाई आप लोगों हाँ ने ज्यादा पैसे बड़ा दिए हुए हैं, आप लोगों के पास एडवांस आया हुआ है, आप उसे हाँ वापस करो। नहीं, पर उसमें हुआ क्या कि देखिए सचिन पायलट ने जो है काफी दिनों से मोर्चा खोला हुआ है कि भाई अशोक गहलोत और
वसुंधरा राजे जो है वो एक ही है, और वो बयान बार बार सचिन पायलट का है, उसी को एंड्रोस कर दिया है मुख्यमंत्री ने कि सब मेरी सरकार बचाने में जो सहयोग था वो वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल का था। कैलाश मेघवाल पहले यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके, बड़े सीनियर बीजेपी सीनियर के। हाँ मोस्ट है, मेरे ख्याल में उनसे सीनियर कोई एमएलए है भी नहीं शायद। कोई भी नहीं, एज में भी काफी सीनियर है और वैसे भी काफी सीनियर है, और तो उन्होंने मदद की। और जिस तरीके से मैंने भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार नहीं गिरने दी थी, बचा ली थी, वैसे इन्होंने मेरी बचा ली। तो अब जो सचिन पायलट का जो आरोप है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री ने उसको जो है ये सही साबित कर दिया कि साहब ठीक है, हम आप खुल के नहीं बोल सकते कि हम साथ हैं, पर हमारी मदद की। तब ये पूछते भाई, बीजेपी वाले पूछ रहे कि मदद कैसे की, उसके सबूत दो आप। कोई एक क्राइटेरिया तो होता है। दूसरा सचिन पायलट का कहना है, सचिन पायलट तो परसों और आगे बढ़ गया, जिस दिन, हाँ 9 तारीख को, जिस दिन राहुल गांधी आबू रोड पे एक प्रोग्राम में शामिल दिन प्रेस हुए यहाँ कॉन्फ्रेंस पे, की सचिन ने। उसी दिन सचिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शुरुआत में एक एक 1.5 मिनट तो कर्नाटक में बोला, और सीधा उतर के जो पहला बयान दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने यही बोला कि वसुंधरा राजे जो है वो अशोक गहलोत की नेता है, सर सोनिया गांधी नहीं। अब इससे बड़ा तो मुझे लगता कोई आरोप जो है अब तक का कभी 50 साल की राजनीति में सजे अशोक गहलोत पे किसी ने लगाया नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सचिन पायलट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, उसमें एक मोर बार बार बोल रहा था, वो साउंड जो वो है एक्चुअल, वो किसी भी माइक से बची नहीं है। हाँ हाँ देखो क्या है कि वो जो इलाका है ना, वो सिविल लाइन्स का इलाका है, उसके बगल में राजभवन भी है जो सचिन पायलट का घर है, आप, मुझे लगता है काफी वहीं पे वो, ग्रीनरी वगैरह है वहां पे। हाँ ग्रीनरी है, और वहाँ राजभवन में ही कोई 100 से ऊपर मोर रहते हैं। अच्छा। हाँ, और जो राजभवन है, अगर तुम जयपुर आओगे तो राजभवन और सीएम हाउस दोनों मिले हुए हैं, हाँ, जुड़े हुए बगल हैं पड़ोस आपस में। में ही। और राजभवन के ही बहुत करीब जो है सचिन पायलट को भी जो बंगला अलॉट हुआ है वो है, तो वहां मोर अगर राजभवन में भी बोलेगा तो सचिन पायलट के घर तक बड़े आराम से उसकी जो है आवाज आती है। तो लेकिन मुझे लगता है कि मोर की आवाज तो मीडिया तक पहुंची, लेकिन सचिन की आवाज जो उनके हाईकमान तक पहुंच नहीं रही, सुन नहीं रहा है कोई उनकी। नहीं, आला कमान तक पूरी बात पहुंची है। कल रात पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है, और उन्होंने बड़ी चुटकी ली और एक तरीके से मजाक बनाया है सचिन की जो ये जनपद यात्रा है। तो कुल मिला के समझ में ये आ रहा है कि जो आला कमान है या जो भी पार्टी का दिल्ली में बैठा नेतृत्व है, वो इस वक्त सचिन को छोड़ चुका है, मतलब वो पूरी तरह जो है अशोक गहलोत के साथ है, इस पर हम और पहले भी चर्चा वो, कर चुके हैं कि उन्होंने सचिन को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, वो उनकी हाँ बिल्कुल सुनी है। साइडलाइन कर दिया है। क्योंकि अगर जरा भी कोई समझौते की बात होती, आपसी बात होती, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट जो है वो ये पदयात्रा वाला प्लान तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब इसके लिए कुछ ये भी खबरें हैं कि भाई सचिन पायलट जो है प्रशांत किशोर की सेवाएं भी इस वक्त ले रहा है, क्योंकि जो जो स्ट्रक्चर, जो इनकी रणनीति दिख रही है और जिस तरीके से ये पदयात्रा हो गई, इससे पहले अनशन हो गया, तो वो उसको कह रहे हैं प्लानिंग वो में उनका प्रशांत असर दिख रहा किशोर, है। देखो, हाँ वो वाला एक जिसे कहते हैं ये जो फुटप्रिंट्स दिख इन्होंने रहे हैं। पदयात्रा, ये जो आज ये प्लान किया, मेरे ख्याल में आज से शुरू हो रही है ये अजमेर हाँ जयपुर, ये इसका अजमेर टू जयपुर इसका रूट ये क्यों है, और इसके इस क्या इसके पीछे क्या है, थॉट क्या है उनका? देखिए, ये राजस्थान में पिछले 4 साढ़े 4 साल में कोई 18 जो पेपर थे प्रतियोगी परीक्षाओं के, वो लीक हुए, कई परीक्षाएं रद्द हुई पेपर होने के बाद रद्द हुई। अभी आरपीएससी जो यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसके एक सदस्य को भी पकड़ा है, और उस सदस्य को हटाने के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस से बकायदा राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा गया है, मतलब सिफारिश की गई है कि इसको हटाया जाए। तो ये एक बड़ा इशू इस बार जो है राजस्थान के चुनाव में होने वाला है। जैसे कानून व्यवस्था का एक बड़ा इशू है, ऐसे ही पेपर लीक का बड़ा इशू है, इसमें लेके जो युवा वर्ग है वो बड़ा गुस्से में है। तो ये मौका जो है सचिन पायलट ने, जो ये आरपीएससी का जहाँ से परीक्षाएं करवाने का, जैसे यूपीएससी होती है, आरपीएससी का ऑफिस जो है अजमेर में है। जैसे यूपी में तुम देखोगे इलाहाबाद में ज्यादातर ऑफिस हैं एजुकेशन या भर्तियों से संबंधित, तो यहाँ ज्यादातर ऑफिस हैं अजमेर में। तो अजमेर में आरपीएससी से शुरू होगा ये पेपर लीक के विरोध में, भाई भ्रष्टाचार पेपर लीक इनको लेके, तो आरपीएससी से लेके और वो जयपुर तक पदयात्रा है करीबन 125 किलोमीटर की। तो ये हाईवे लगता है, जयपुर अजमेर हाईवे आप कह सकते हैं, तो उस पे ये चलेंगे रोज 25 25 किलोमीटर। तो उसमें बीच में जैसे दूधू पड़ेगा आपका,
और भी कुछ छोटी छोटी जगह पड़ेंगे, तो मुझे लगता है पड़ाव यहाँ डालेंगे, बहुत लंबा नहीं है। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे, पर पैदल जाएंगे तो एक सौ अपना, पच्चीस किलोमीटर के करीब है। हाँ 125 किलोमीटर है, और अपना जैसे किशनगढ़ बीच में पड़ेगा तो वहां से घूम आएंगे, ऐसे थोड़ा घूमते घामते जो है ये अपना 5 दिन में इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, आज से शुरू होगा। और अभी तक कौन कौन शामिल होगा ये बहुत क्लियर नहीं है, पर उन्होंने युवाओं को, हाँ एक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का यहाँ अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, उसने जरूर एक पोस्टर उसका आया है जिसमें उसने समर्थन दे के शामिल होने की बात युवाओं से की है कि आप शामिल होइए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा यूथ को ये अपना साथ लेके चलेंगे, और ये सीधा सीधा एक तरीके से अब चैलेंज है कांग्रेस पार्टी को भी, आला ये तो कमान एक को तरह भी, से और मुझे, बगावत है बिल्कुल। हाँ दरअसल बिल्कुल। पिछली और बार इन्होंने अनशन किया था 5-6 घंटे का। उसके बाद उनके एसएस रंधावा साहब का जो है बयान आया था, जो प्रभारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये इसे हम बगावत की तरह देखते हैं और ये पार्टी के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं इसमें। हकीकत बात तो यह है हाँ कि नहीं, हाई कमान ने उसे रिजेक्ट नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इसी से सचिन पायलट के हौसले भी बढ़े हैं। उस वक्त क्या था, ये माना गया कि भाई आप चूंकि चुनाव चल रहा है कर्नाटक का, और कर्नाटक चुनाव में डिस्टरबेंस ना हो जाए, ये भी कुछ खबरें थी कि दिल्ली में सचिन पायलट का, जैसे जिसमें सुरजेवाला का नाम आया था, रणदीप सुरजेवाला के, इन्होंने फेवर किया, इन्होंने रोका कि भाई कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ से तो जो पूरी जो खबरें थी कि भाई शाम तक सचिन पे कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, हाँ, कोई पर वो एक्शन नहीं स्टेटमेंट लिया। नहीं आया था उस दिन। हाँ स्टेटमेंट भी नहीं आया, पर उसके बाद से मुख्यमंत्री ने जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है इनके पूरे 7 के विधायकों पे अटैक करना शुरू किया है, पहले से ज्यादा तेज किया है उस चीज को, लेकिन अशोक और मुझे गहलोत लगता है जो है वो कर्नाटक का चुनाव खत्म होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने संडे में धौलपुर में जो कही बातें सचिन के और इन सब के बारे में, जो बातें लगाई विधायकों, अपने विधायकों को जो कहा, पैसा ले रखा है, अमित शाह से मिले हुए हैं, ये सब बातें, वो ये बात जो है वो 11 तारीख को आज भी कह सकते थे, एक दिन बाद भी कह सकते थे। मुझे लग रहा है कि हाँ राजस्थान और कर्नाटक में कोई चुनाव, मतलब भले कर्नाटक में हो रहा था, पर मुझे लगता है यहाँ के बयानों का शायद उतना इफेक्ट नहीं जा रहा होगा वहां पे उस तरीके से जो है, लेकिन क्योंकि पार्टी हाई कर्नाटक, कमान को ये सोचेगा ना कि भाई ये 2 दिन की हाँ सबर कर सकते थे, हाँ इतना पर ये है, जल्दी पर क्योंकि मुकाबला क्यों अभी किया? इस वक्त ये देखिए पूरी तरह आलाकमान जो है वो इनके पक्ष में दिखता है या इनके साथ दिखता है। भाई आलाकमान आप क्या बोलोगे, वहां जो नेता बैठे हुए आलाकमान है, या हाँ गांधी परिवार जो है मेन आलाकमान वो है। अब जिस दिन ये सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री जो है राहुल गांधी के साथ थे, वो अबू क्या रोड प्रोग्राम था वो? अभी राहुल उन, गांधी का वो कहीं मीडिया में भी ज्यादा उसके बारे में नहीं आया। राहुल गांधी वहां गए और क्या था वो? वो एक कोई संगठन का इनका कोई प्रोग्राम था माउंट आबू में, और जिसमें कोई भजन कीर्तन टाइप के भी कुछ थे, कोई नहीं, ये छोटा कोई मुझे तो संगठन था लगता है इनका। कि थक गए होंगे राहुल गांधी प्रचार करते हो कर्नाटक हाँ में, वो रिलैक्स करने के लिए आए थे हिल स्टेशन पे। हाँ पता नहीं एक दिन के लिए 2-4 घंटे के लिए कौन सा रिलैक्स होता है तो ये बता सकते हैं। अभी ऐसे तो प्रियंका गांधी ने भी 2 दिन के लिए दौरा, बीच में जब चुनाव चल रहा था तो 5-6 तारीख के आसपास सवाई माधोपुर का दौरा लगा दिया। तो अब आप ये, अब वही है ना सीरियसनेस क्या है चुनावों को लेके, एक तरफ एक पार्टी ऐसी है जो दिन रात सुबह शाम इलेक्शन मोड में रहती है, प्रधानमंत्री से लेके और सारे मंत्री और जो भी इनके नेता हैं, और एक है कि एक आलाकमान ऐसा है कि जो 4 दिन कैंपेनिंग करता है फिर 5वें दिन उसे आराम की जरूरत होती है। तो वो असल में दिक्कत है हाँ ना, वो अब विदेश नहीं जा पा रहे हैं बहुत समय से। विदेश जाने वाला और मामला वो, उनका क्या, जब तक नानी जिंदा थी तो नानी के यहाँ चले जाते थे, अब नानी तो हाँ दुनिया में नहीं रही नहीं, तो उन नानी की याद अब में अब कहाँ जाएं? मेन बात यह है कि लोगों ने कहा कि साहब चूंकि आबू रोड पे प्रधानमंत्री आ रहे थे 10 तारीख को, इसलिए उन्होंने जानबूझ के 9 तारीख को चले आए, आगे हालांकि हो बहुत मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ। ये हाँ जरूर है कि उसमें इन्होंने बीजेपी को एक मौका दे दिया, एक राजस्थानी साफा जो है उनको पहनाया जा रहा था राहुल गांधी को, और उन्होंने उसको हाथ से पीछे कर दिया, तो बीजेपी ने वो क्लिप भी चला दी कि देखो साहब राजस्थानी साफा जो है पहनने से राहुल ने इनकार किया। तो बीजेपी तो ताक में रहती है कि भाई किसी तरह ये आए कुछ करें, और हम जो है उसको जो है एक एक्सपोज टाइप से चीजों को सोशल मीडिया पे चलाएं, कुछ लोगों को बताएं देखो इनका क्या हाल है। वैसे इस समय जो दिल्ली का मीडिया है, तमाम जो वामपंथी मीडिया है, लुटियंस का मीडिया है, वो इस समय लामबंद हो गया है अशोक गहलोत के समर्थन में। उनकी मैं डिबेट्स देख रहा हूँ, चर्चाएं देख रहा हूँ, तो उन सबको सचिन पायलट बहुत खल रहे हैं। ये यही मीडिया था जो एक साल पहले तक ये कह रहा था कि सचिन पायलट युवा हैं,
उन्हें कमान सौंप दी जाए तो कांग्रेस बच सकती है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में रही तो नहीं बच पाएगी, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, फलाना है, ढिमाका है। लेकिन जब उन्हें लगा कि हाई कमान ने सचिन पायलट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है, तो अब वो सब लामबंद हो गए हैं और इतना परेशान है। कई पत्रकार हैं, जानते हो आप, विजय विद्रोही वगैरह जो राजस्थान को कवर करते रहते हैं, वो डिबेट्स में ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को तो धक्का दे के बाहर निकाल देना चाहिए पार्टी से, ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी उनकी निजी पार्टी है। अच्छा, ये देखिए, मीडिया मैनेजमेंट में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई सानी नहीं। मतलब बीजेपी को तो पूरा मीडिया गाली देता है, क्योंकि बीजेपी के अधिकांश नेता जो है वो हाँ, भाव नहीं देते मीडिया मीडिया को, वालों को या भाव नहीं संविधान देते, को हाँ हवा में उड़ते हैं संविधान ही सिर्फ। नहीं देते हैं। सरकारी भाई, जब जैसे ही वसुंधरा की सरकार यहाँ आती थी तो जो पेंशन थी वो बंद हो जाती थी पत्रकारों की, या और सुविधाएं बंद हो जाती थी। जैसे कांग्रेस की गहलोत सरकार रही कांग्रेस की, वैसे ही पेंशन भी शुरू हो गई, सुविधाएं भी शुरू हो गई। तो अमूमन जो है मीडिया मीडिया के जो लोग हैं वो फेवर करते हैं थोड़ा सा कांग्रेस का, भले मतलब अब से नहीं है, मुझे लगता है वो कई दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। और मीडिया फ्रेंडली तो दोनों है, गहलोत साहब का अपना एक मीडिया का वर्ग है, और ये जो जितने आपने नाम लिए हैं, मैं तो आज भी देख रहा था अखबार में, फुल फुल पेज के ऐड हैं आज भी गहलोत साहब के, सिलेंडर रखा हुआ इतना बड़ा। वो तो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं ऐड। तो ये जितना, और सचिन पायलट का अपना एक अलग तरीके का मीडिया है, वो उनके फेवर के लोग हैं, वो हमेशा आप ही देखोगे तो वो दिन रात सुबह शाम जो है वो सचिन की माला जप रहे हैं। और वो एक काम बड़ा अच्छा हो गया है कि सचिन जो है हफ्ते दो हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं या कोई भोज रखते हैं, और मीडिया के लोगों का जमावड़ा लगता है। और ऐसे ही दिल्ली में इनका गैंग भी है और जयपुर में भी है, तो दोनों का है मीडिया जो है स्ट्रॉन्ग है। अब हो सकता है कुछ लोगों ने पाला बदल लिया हो। मीडिया मीडिया वाले मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से दावतें खा रहे हैं, सचिन की भी और हाँ, गहलोत दोनों तरफ की। से दावत खा रहे हैं, पर यह है हाँ, कि जहां से जितनी सुविधा जिसको मिल जाए तो हो सकता है वो उसके फेवर की बात शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वहां पे जब बीजेपी की सरकार थी तो खासतौर से राजस्थान की अगर बात करूं, पत्रकारों ने ये बात, वास्तव में मैंने देखा सोशल मीडिया के सामने बहुत सारी चीजें आई थी कि पत्रकारों की बहुत सारी सुविधाएं बंद की, ऐसा बीजेपी वाले ऐसा अक्सर करते हैं। उत्तर प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कई तरह की चीजें बंद कर दी। पहले यश भारती पुरस्कार मिलता था, उसमें बहुत सारे पत्रकारों का नाम आता था, जिसमें 51,000 रुपए पर मंथ उसमें मिलते हैं, है ना, आजीवन जब तक वो आपके पुरस्कार है। यहाँ पे भी एक अच्छा है। वैसे तो देखिए, बहुत ज्यादा जो फंड्स होते नहीं, जैसे यहाँ पे भी एक जो है जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट रहे हैं या एक्रेडिटेशन जिनका रहा है काफी लंबे समय से, तो उनको 15,000 रुपये पेंशन मिलती है। तो अच्छा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट है। अगर भाई देखिए, पत्रकार जो प्राइवेट जॉब किया है तो उसके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी तो होती नहीं है, बिल्कुल और सही। सरकार ने तो 250-300 लोगों को पेंशन देती है बहुत सारे। और फिर उसके अलावा यहाँ कुछ प्लॉट्स को लेके भी चलता रहता है, क्योंकि पिछली बार जो था ऐसा हुआ था कि अलॉट हो गए थे पर आचार संहिता लगने के कारण वो योजना फुलफिल नहीं हो पाई। तो जब भी गहलोत साहब ने अपने पहले कार्यकाल में पत्रकारों को यहाँ प्लॉट भी दिए थे, और कांग्रेस सरकारों ने पहले भी दिए, तो पत्रकारों को थोड़ा रहता है कि भाई एक सिक्योरिटी, किसी को प्लॉट मिल जाएगा सस्ती दरों पे तो उसकी एक लाइफ सिक्योरिटी रहेगी, चलो बुढ़ापे में काम आ गया है, कभी काम आ गया। तो लेकिन लेकिन सचिन पायलट के तो कुछ काम नहीं आ रहा। अब सचिन पायलट को लेके क्या वो लग रहा है आपको कि सचिन पायलट किस राह पे जाएंगे अल्टीमेटली? मुझे लग रहा है कि सचिन ने मन तो बना लिया है कि अब कांग्रेस में उनका कुछ होना नहीं है, या उनके जो बाकी लीडर्स हैं, तो चुनाव से 2-3 महीने पहले हो सकता है कि सचिन अपनी अलग राह, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी बार बार इनवाइट करने की बात, तो एक एक गठबंधन जो है हनुमान और सचिन का, तो ये थोड़ा सा साथ आ जाते हैं। तो एक दोनों यूथ लीडर हैं, युवाओं में देखो गुजर जाट कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर सकता है काफी सीटों पर। और ये दोनों को ही परेशान करेगा, बीजेपी को भी कभी और कांग्रेस को भी। हाँ, दोनों को परेशान। आप ये देखिए, परेशान तो खैर वो एग्जिट पोल नहीं है, एक्चुअल पोल में पता चलता है, क्योंकि अभी तो जो ओपिनियन पोल और जो पोल होते हैं उस पर कोई कयास लगा लो, पर ये कि ये दोनों साथ आने की उम्मीद थोड़ा बढ़ गई है सचिन के अब के कदम से। तो मुझे लग रहा है कि ये चुनाव से 3 या 4 महीने पहले, अभी 8 महीने बाकी हैं चुनाव में, तो मुझे लगता है ये अगस्त तक, या अगस्त तो नहीं, मतलब जुलाई तक आप मान लीजिए, या तो अभी कर लेंगे ये, इस यात्रा के बाद ही कुछ कर लेंगे, और अगर अभी कुछ नहीं हुआ 1-2-5 दिन के अंदर,
मुझे लग रहा है कि ये जुलाई के आसपास आके पार्टी को नमस्ते करके और अपना एक एकला चलो और वैसे फिर मुझे जरा। मुझे मुझे जो ऐसा लग रहा है, जो मुझे मेरा आकलन कहता है कि सचिन पायलट तमाम ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पार्टी उन्हें निकाले, हाँ वो सही, वो विक्टिम चाहते हैं, का शहीद रोल होना प्ले चाहते हैं। कर, वो शहीद होना चाहते हैं, जिस तभी उन्हें हाँ सिंपैथी मिलेगी। पार्टी छोड़ने में सिंपैथी नहीं है, पार्टी से निकालने में तो अभी सिंपैथी मिलेगी। तो वो इंतजार बार बार यही तो चल रहा है कि भाई अभी कब निकालोगे कब। और कांग्रेस में भी एक बड़ा वर्ग चाहता है कि निकाल दो, पर एक वर्ग है जो थोड़ा हेल्प भी कर रहा है, नहीं नहीं छोड़ो, नहीं नहीं छोड़ो। पर भाई मुख्यमंत्री तो चाह ही रहे हैं कि इनको बाहर कर दो, क्योंकि जो टेंशन बाद में हो अभी टेंशन खत्म हो जाए। हाँ जल्द से जल्द हो, क्योंकि फिर बाद में टिकटों के हाँ लिए झगड़ा होगा अगर पार्टी में रहेंगे तो। हाँ टिकटों के लोगों का भी होगा, भी जो 15-20 लोग इनके साथ है उनका वो टिकट एक साथ ही कट जाएगा भाई, हाँ एक पे कार्रवाई होगी। और चुनाव को जैसे जैसे करीब आएगा तो फिर वो सरकार को हेल्प में तो रहेगी भी, तो भी चल जाएगी। इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि पार्टी की पॉलिसी ये भी है कि अगर इन्हें पार्टी में से निकाला भी जाए तो चुनाव से एक आध महीने पहले निकाला, जैसे अमरिंदर कुछ नहीं कर पाए पार्टी से जब उन्हें निकाला हाँ गया है ना। हाँ तो मुझे बिल्कुल लगता है कि कुछ ऐसी भी स्थिति होगी कि ये तैयारी ना कर सके, ज्यादा जल्दी निकाला जाएगा तो तैयारी कर लेंगे अपनी। मुझे लगता है कि दोनों ही एक मुझे लग दूसरे रहा का है इंतजार कर रहे हैं। सचिन को तो ये चाहिए कि सचिन को जब ये मन ही बना लिया है तो सचिन को अब देर नहीं करनी चाहिए, मतलब शहीद होने का वेट नहीं करना चाहिए। हाँ वैसे पुरस्कार भी तो मिलते हैं, परमवीर चक्र जो जिंदा रहते भी तो मिलता है, मर के थोड़ी बिल्कुल मिलता भाई, है पर। रिस्क उठाने से ही तो कुछ ना कुछ हासिल भी होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई विदाउट रिस्क आप सोचो कि भाई मैं शहीद होगा तभी मेरी सिंपैथी होगी। देखिए गुर्जर वोट तो सचिन के साथ है ही, इसमें तो दो राय है ही नहीं, सचिन के साथ है कि युवाओं का भी एक बड़ा जो वर्ग है वो सचिन के साथ है। तो सचिन की फैन फॉलोइंग जो है अच्छी है या राजस्थान में, मतलब ऐसे मरे हुए नेता वाली नहीं है कि साहब ये क्या होगा। और सचिन की सभाओं में भीड़ जुटना, सचिन के साथ मीडिया का भी जैसे एक बड़ा आपने वर्ग बताया है। कि उसमें 18 विधायक मौजूद थे, तो इसका मतलब जो इनके समर्थक 18 विधायक वो अभी इंटैक्ट हैं इनके साथ। हाँ, 18 विधायक थे और कुछ ऐसे और भी विधायक हैं जैसे दिव्या मदेड़ा, वो नहीं थी पर दिव्या मदेड़ा अशोक गहलोत है उनके खिलाफ है। तो और भी ऐसे लोग जुटा के जो है, मेरे हिसाब से अगर जैसे जैसे चुनाव आएगा तो कुछ और भी इकट्ठे कर लेंगे जो विरोधी विधायक होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 30-35 विधायक भी अपने पक्ष में कर लेते हैं तो एक बड़ी संख्या होगी, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। चलिए इंतजार करते हैं। धन्यवाद विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। हम समय समय पर आपसे जुड़ते रहें और आप हमारे लिए इस तरह की जानकारी लाते रहिए। फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।